Kia Stinger GT. स्पोर्ट कार कम सुपर कार कैसी है, चलने में कैसी है, क्या ये प्रॉपर जीटी नाम को सार्थक करती है, इसकी टॉप स्पीड क्या है, 0 to 100 क्या है, कितनी कंफर्टेबल है, क्या कुछ कमियां भी हैं, क्या भारतीय बाजार में ये आ भी सकती है। अगर आपके इस तरह के सारे सवाल है तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आज इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगुरु। किया स्टिंगर जीटी, जब इस कार को डिजाइन किया गया तो किया मोटर्स का ध्यान इस बात पर था कि इसमें सुपर कार वाले सारे गुण होने चाहिए, यानी इंजन ही केवल शानदार नहीं होनी चाहिए, कार के हैंडलिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुछ BMW के एक्स इंजीनियर्स को हायर किया इस कार के हैंडलिंग बेहतर बनाने के लिए। मेरा पर्सनली मानना है कि उनका ये डिसीजन अच्छा था, क्योंकि इस कार की हैंडलिंग रियली काफ़ी सुपर्ब हो गई। आप मुझसे कहेंगे कि सर आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आपने एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं दिखाया। क्या बताऊँ, इतनी शानदार कार है कि इसके एक्सटीरियर में भी बताकर टाइम कैसे निकालूं, क्योंकि कार चलाने का जो मजा है उसे मिस नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, कार में दी गई सामने LED हेडलाइट, बेहतरीन एयर डंपर्स दिए गए हैं, AI इंटेक के लिए वेंट दिए गए हुए हैं, कॉर्नरिंग हेडलाइट दी गई है, आप जो कुछ सोच सकते हैं वो सब इसके भीतर मौजूद है फ्रंट में। और रियर में भी आपका जो एरिया है वो काफ़ी बेहतरीन डिजाइन के साथ है। ये कार सुपर कार जैसा लुक देती है थोड़ा थोड़ा सा, और काफ़ी हद तक ये स्पोर्ट कार जैसा डिजाइन एलिमेंट को लिए हुए, यानी कि इसे आप कह सकते हैं एक स्पोर्ट सेडान, और उस नाम को ये सार्थक करती है। इसके साथ दिया गया है इसमें 3.3 लीटर का ट्विन टर्बो V6 पेट्रोल इंजन जो देता है 370 PS की पावर, और यह पावर इस कार को 0 to 100 ले जाती है केवल 4.7 सेकंड में, और इसकी टॉप स्पीड है 270 किलोमीटर पर आवर। इंटीरियर की बात कर ली जाए तो इस कार के इंटीरियर में दिया गया है बेहतरीन क्वालिटी का लेदर स्टिचेस का इस्तेमाल, सीटें भी रेड कलर की नेपाल लेदर से बनी हुई है, सब फिट एंड फिनिश, हर चीज मटेरियल सिलेक्शन एल्युमिनियम फिनिश, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। 8-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है पेडल शिफ्ट के साथ में, सारे सेफ्टी फीचर्स जिसे आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, जो कुछ भी आप सोचें वो सब कुछ इसके भीतर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम दिया है हार्मन कार्डन का 15 स्पीकर्स के साथ, ग्रेट सॉन्ग, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी चीजें हैं। सामने इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही आपको सब चीज मिल जाती है, उधर सामने आपको मिलता है HUD हुड डिस्प्ले, जिससे कि आपको स्पीड सामने ही दिखा करती है, आपको नीचे डिस्प्ले में आकर देखना नहीं पड़ता, बेहतरीन। चलिए इस कार के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बताने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस कार के बारे में आप बताएं केवल इसकी ड्राइव। तो फिर भाई ड्राइव पर ही चल देते ना कि ड्राइव कैसी है। चलिए आपके साथ ड्राइव की ही बात कर लेते हैं। 100 पता ही नहीं पड़ता यह कार कैसे स्पीड पकड़ लेती है, सड़कों पर ऐसा लगता है मक्खन की तरह बह रही है, राइड भी बड़ी अच्छी है, हालांकि भीतर
बैठ कर आपको ये लगता है, सॉरी लेट कर, एक्चुअल में जितनी भी सुपर कार होती है उन्हें लगभग लेट कर चलाया जाता है। मैं जानबूझ के इस समय बैठा हूँ ताकि आपको दिखूँ कैमरे में, आधा तो मैं भी इसे लगभग लेट कर ही चला रहा था। क्या बात है वल्ला, ये कार कैसे स्पीड पकड़ लेती है आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, रियली बहुत सुपर, मजा आता है इसको चलाते हुए। हैंडलिंग बिल्कुल टॉप में, ऐसे में कॉर्निंग पे मोड़ रहा हूँ मुझे पता है, हालांकि मेरी कार की स्पीड इस समय सिर्फ 45 है, लेकिन वो सब बहुत अच्छा कर रही है। यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि इस कार की हैंडलिंग रियली सुपर है, और इतनी बेहतरीन हैंडलिंग, मजा तो आएगा ही देखकर। बस इसीलिए मैं इस कार को दिल के साथ चला रहा हूँ। कार बहुत आसानी से 200 प्लस की स्पीड पकड़ लेती है। यही तो मजा है इस कार के साथ कि आप इस कार को बेहतरीन चला सकते हैं, अच्छा कंफर्ट भी देती है कार, साथ ही आपको बेहतरीन ड्राइव भी देती है, और इस कार को पसंद करने की वजह भी यही है। और अच्छा सपोर्ट देती है सीटें तेज स्पीड ड्राइविंग के हिसाब से, और मैं जिस शहर में हूँ वहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसे चलाने में। आप चलने बैठे तो आपको एहसास होता है कि आप एक शानदार कार में चल रहे हैं। यही तो मजा है इस कार का। चलिए आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है किया स्टिंगर के बारे में। मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किया भारतीय बाजार में सबसे पहले अपनी एसयूवी लेके आ रही है, एसपी कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने ऑटो एक्सपो वाले वीडियो में आपको दिखाया था वो कॉन्सेप्ट कार अब सबसे पहले आएगी 2019 में, उसके बाद बाकी कारें भी आएंगी। हालांकि किया मोटर्स के ऑफिसर्स का यह कहना है कि इस कार के आने के बारे में उन्होंने अभी तक प्लान नहीं किया है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी कारें कितनी शानदार होती हैं, आप चला के देखिए और फील कीजिए कि हम कितने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। और मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। किया मोटर्स का भारत में भविष्य क्या होगा, अगर मुझसे आप बात करें तो 300,000 कारें पर ईयर बनाने का उनका प्लांट है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कैपेसिटी है भारतीयों को देखते हुए। हालांकि अगर मैस मार्केट की कारें बनाई जाए आम पब्लिक के लिए तो 300,000 बहुत बड़ी फिगर नहीं है, छोटी ही फिगर है, इसे आसानी से फुल स्ट्रेंथ में यूज किया जा सकता है। ग्रेट, होपफुली किया मोटर्स को भारती कैसे लेंगे ये तो आप ही मुझे बताएंगे। आप क्या सोचते हैं कि किया मोटर्स और आने वाली और दो एक कंपनीज जो हैं वो कैसा करेंगी भारतीय बाजार में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना तो लाइक करने में देर ना करें, नहीं अच्छा लगा है आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिएगा, लाइक कीजिए अच्छा लगेगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में बात किया करता हूँ। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बटन ठीक नीचे है रेड कलर का अभी दबा दें। एज ए VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दिखी नोटिफिकेशन को पुश करना ना भूलिए। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिएगा आस्क कारगुरु। हाँ, क्या आपने ये पूछा नहीं कंक्लूजन में कि एवरेज कितना देती है? हालांकि एवरेज जानना कौन चाहता है, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं तो बता देता हूँ। ये कार सिटी में मुझे देती है ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, और हाईवे पे देती है 3.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। स्पोर्ट कार है तो हाईवे पे थोड़ा तेज चलती है तो एवरेज कम हो जाता है, और वैसा सभी सुपर कार के साथ होता है, तो अगर इसके साथ हो रहा है तो कोई ताजुब की बात नहीं है। चलिए अब और बातें की जाए, मैं ड्राइव पे निकलता हूँ क्योंकि इसका मजा तो ड्राइव के साथ है।